हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक पे वीडियो को लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंग्लिश के ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड का स्टडी करने वाले हैं दोस्तों, जिनका वर्ड मीनिंग तो चेंज होता है लेकिन दोस्तों प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ऐसे कुछ समान ध्वनि वाले इंग्लिश के वर्ड का अध्ययन करने वाले हैं जिसका मीनिंग और वर्ड चेंज होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण एक जैसा होता है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में होमोफोन्स कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, अपने सस्पेंस को दूर कर लेते हैं, कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं, तो दोस्तों ये वकैब की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हमें इंग्लिश को कहीं ना कहीं दोस्तों लर्न करने में बेहद हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है आप लोगों के लिए बर्थ, BIRTH। दोस्तों, जैसे बर्थ होता है, बर्थ मतलब दोस्तों जन्म है ना, बर्थ का हिंदी अर्थ क्या होता है, जन्म। तो दोस्तों नेक्स्ट है BERTH, देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम बर्थ ही पढ़ेंगे ना, BIRTH ये भी बर्थ और BERTH ये भी बर्थ, दोनों को बर्थ पढ़ा जाएगा लेकिन दोस्तों जो BIRTH है बर्थ उसका मतलब दोस्तों जन्म होता है, लेकिन दोस्तों BERTH बर्थ इसका मतलब दोस्तों सीट होता है अर्थात जो बैठने वाला स्थान होता है, चाहे ट्रेन की बात हो चाहे बस की बात हो, तो जिस पर बैठा जाता है उसको दोस्तों हम बर्थ कहेंगे, उसका दोस्तों वर्ड होता है BERTH। और जब जन्म की बात होगी तो दोस्तों उसका हो जाएगा BIRTH, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है आप लोगों के लिए SCENE, सीन, ठीक है। तो सीन मतलब दृश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं SEEN, इसको भी दोस्तों हम सीन पढ़ेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीन का मतलब देखना होता है ना, देखना या देखा हुआ। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका यहाँ पे वर्ड मीनिंग तो चेंज है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों दोनों क्या है, एक जैसा है। तो SCENE सीन, सीन मतलब दृश्य होता है लेकिन दोस्तों SEEN सीन, सीन का मतलब यहाँ देखा हुआ अर्थात देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है TOO, ठीक है। तो इसको टू पढ़ेंगे तो दोस्तों इसका टू मतलब अधिक या भी होता है, टू का दो अर्थ होगा दोस्तों TOO का, पढ़ेंगे दोस्तों इसे टू और इसका मतलब क्या होगा, अधिक या भी। वहीं पर दोस्तों TWO2 ये तो कॉमन सा वर्ड है और टू का मतलब यहाँ पे दो होगा, ठीक है। तो दोस्तों अंतर आप समझ रहे होंगे, देख रहे हैं उच्चारण एक जैसा है लेकिन इसका वर्ड मीनिंग दोस्तों चेंज है। नेक्स्ट है BEAT, बीट, ठीक है। तो बीट, बीट मतलब दोस्तों पीटना होता है या हराना भी होता है, ठीक है। तो बीट का एक दूसरा अर्थ क्या होता है, हराना, ठीक है। और नेक्स्ट है BEET, इसको भी दोस्तों बीट पढ़ेंगे लेकिन बीट का मतलब दोस्तों यहाँ चुकंदर होगा, BEAT बीट मतलब पीटना या हराना, लेकिन दोस्तों BEET बीट, बीट मतलब चुकंदर होता है जिसका दोस्तों हम खाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है FEAT, फीट, ठीक है। तो इसको फीट पढ़ेंगे और फीट का मतलब दोस्तों यहाँ पे दावत नहीं होगा बल्कि फीट का मतलब दोस्तों कारनामा होता है ना, जो असाधारण कार्य होते हैं, तो फीट का मतलब क्या हो जाएगा, कारनामा, ठीक है। तो फीट का मतलब कारनामा होता है। और दोस्तों नेक्स्ट है FEET, इसको भी दोस्तों हम फीट पढ़ेंगे और फीट मतलब पैर है, ये दोस्तों आपका कह सकते हैं प्लूरल है, फुट का जो प्लूरल होता है वो दोस्तों फीट होता है, ठीक है। तो FEET फीट, फीट मीन्स दोस्तों कारनामा या असाधारण कार्य, और दोस्तों FEET फीट, फीट का मतलब पैर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों दोनों में आपका उच्चारण एक जैसा है लेकिन दोस्तों इसके मीनिंग और कह सकते हैं वर्ड में पूरी तरह से अंतर है। नेक्स्ट है GATE, गेट, तो ठीक है दोस्तों गेट मतलब दरवाज़ा होता है। नेक्स्ट है GAIT, इसको भी दोस्तों हम गेट पढ़ेंगे, इसका मतलब दोस्तों अकड़ कर चलना होता है या गेट मीन्स चाल भी होता है, ठीक है दोस्तों GATE, गेट, गेट मीन्स दरवाज़ा, लेकिन दोस्तों GAIT इसको भी गेट पढ़ेंगे लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, अकड़ कर चलना या चाल होता है, ठीक है, या चलने का ढंग भी होता है ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है FARE, इसको दोस्तों हम फेयर पढ़ेंगे, FRE को हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फेयर, और फेयर का मतलब दोस्तों होता है किराया, जैसे नॉर्मली सब किराया देते हैं जब किसी चीज़ से ट्रेवल करते हैं, तो FARE फेयर का मतलब किराया होता है। नेक्स्ट है दोस्तों FAIR, इसको भी दोस्तों हम फेयर ही पढ़ेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ फेयर का मतलब, FAIR का मतलब सुंदर या अच्छा होता है, और साथ ही साथ दोस्तों फेयर का एक दूसरा अर्थ होता है आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, मेला होता है। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। तो FARE फेयर मीन्स किराया, FAIR मीन्स सुंदर या अच्छा, या फिर आप मेला भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। तो नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए MAIN, मेन,
ठीक है, इसको पढ़ेंगे मेन, तो मेन मतलब दोस्तों मुख्य, जैसे मेन वर्ब होता है आप सुने होंगे तो एम ए आई एन, तो मेन मतलब दोस्तों मुख्य है ना। और उसी प्रकार दोस्तों एम ए एन ई है, इसको भी दोस्तों हम मेन पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ मेन का मतलब होगा घोड़े की गर्दन का जो बाल होता है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं अयाल भी कहा जाता है, एक वर्ड में आप उसे क्या कह सकते हैं अयाल है ना। तो एम ए आई एन मेन मतलब मुख्य, लेकिन दोस्तों एम ए एन ई इसका भी मतलब आप कह सकते उच्चारण मेन ही करेंगे, लेकिन इसका अर्थ हो जाएगा घोड़े की गर्दन के बाल या फिर अयाल। नेक्स्ट है आर आई जी एस टी राइट, इसको राइट पढ़ा जाएगा दोस्तों, और राइट मतलब सही या दायां भी होता है, और राइट मतलब दोस्तों अधिकार भी होता है। आप लोग अगर ओकैब अच्छे से तैयार किए होंगे तो जैसे फंडामेंटल राइट होता है तो उसी प्रकार, तो आर आई जी एस टी राइट, राइट मतलब सही या दायां होता है। और उसके बाद दोस्तों डब्ल्यू आर आई टी है, इसको भी दोस्तों हम राइट ही पढ़ेंगे, इसमें आपका डब्ल्यू साइलेंट होता है, लेकिन दोस्तों डब्ल्यू आर आई टी राइट जो होता है इसका मतलब दोस्तों आपका लिखना होता है, ठीक है। आर आई जी एस टी का मतलब सही या दायां, और वहीं पर दोस्तों डब्ल्यू आर आई टी राइट, इसको भी राइट पढ़ेंगे लेकिन इसका मतलब लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए एच ई आर ई हियर, ठीक है दोस्तों, हियर मीन्स यहाँ, ये मतलब जगह बताने के लिए कहीं कहीं होता है यूज़, तो दोस्तों एच ई आर हियर, हियर मतलब यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है एच ई ए आर हियर, इसको भी दोस्तों हियर ही पढ़ेंगे, तो हियर का मतलब दोस्तों सुनना होता है, ठीक है। एच ई आर ई हियर मीन्स यहाँ, लेकिन दोस्तों एच ई आर हियर, हियर मतलब सुनना होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इलेवेंथ नंबर जो कि आप लोगों के लिए डी डबल ई आर डियर, तो दोस्तों डियर मीन्स हिरण होता है, आप लोग अच्छी तरह से हिरण या मृग भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों डी ई ए आर, इसको भी दोस्तों हम डियर ही पढ़ेंगे, और दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा प्रिय या महंगा होता है, ठीक है। डियर का मतलब क्या था, प्रिय या महंगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों डी डबल ई आर डियर मीन्स हिरण, लेकिन डी ए आर डियर, डियर मतलब दोस्तों महंगा या प्रिय होता है, जो पसंदीदा होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पी ए आई एल पैल, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा पी ए आई एल पैल मतलब दोस्तों बाल्टी है ना, दो हम दैनिक जीवन में कह सकते हो यूज़ करते हैं पानी वगैरह लेने में। और नेक्स्ट दोस्तों पी ए एल ई, इसको भी दोस्तों हम पैल पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा पीला या फीका भी कर सकते हैं, तो पी ए आई एल इसका मतलब दोस्तों बाल्टी, लेकिन दोस्तों पी ए एल ई इसका मतलब क्या हो जाएगा पीला। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एम ई ए टी मीट, ठीक है। तो मीट का मतलब मांस होता है, ठीक है, एम ई ए टी मीट, मीट का मतलब मांस। नेक्स्ट है दोस्तों एम डबल ई टी, इसको भी दोस्तों हम मीट पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एम डबल ई टी मीट का मतलब होगा मिलना, ठीक है। तो एम ई ए टी मीट मीन्स मांस, लेकिन एम डबल ई टी मीट इसका मतलब दोस्तों मिलना होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो सीरीज का आखिरी वर्ड है आप लोगों के लिए होमोफोन्स, जो कि है आर ए वाई एस, इसको दोस्तों हम रेज पढ़ेंगे ना, तो रेज मतलब दोस्तों किरणें, जैसे सन रेज है ना, सूर्य की किरणें, तो इसी प्रकार आर ए वाई एस रेज, रेज मतलब दोस्तों किरणें होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आर ए आई एस ई है, इसको भी हम दोस्तों रेज ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा उठना, ठीक है। आर ए वाई एस रेज मीन्स किरणें, लेकिन आर ए आई एस रेज, रेज मीन्स उठना होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इसमें कितने बेहद महत्वपूर्ण वर्ड थे, जिनका दोस्तों हम कहीं ना कहीं उसके कह सकते हैं मीनिंग को लेकर या फिर अर्थ जो वर्ड होता है उसको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसका आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने का काम करेगा। तो दोस्तों ये चूंकि इसका फर्स्ट पार्ट था, तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में भी हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड को लाएंगे, होमोफोन्स को लाएंगे दोस्तों, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर लें, साथ ही साथ यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।